हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन अकेडमी गेट सिविल। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। चलिए बच्चों को ज्वाइन करने दीजिए फटाफट। अभी चैनल चेंज हुआ है, थोड़ी सी ट्रबल आ रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। हम लोग वॉइस अच्छे से आ रही बच्चों? चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। मनीष जी, माधुरी जी, बाबा शंकर, फटाफट बच्चे आ रहे हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से बता दीजिए कि आवाज और वॉइस एकदम अच्छे से, वॉइस और ऑडियो, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र। चलिए तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइसेल्फ। माइसेल्फ चेतन सक्सेना। मेरी बेस्ट गेट रैंक 55 आई है। आई एम एन एक्सपर्ट इन गेट, एससी, एसएससी, जेईई एंड वेरियस अदर एग्जाम्स। मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी रुड़की से किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और मेरा बेस्ट गेट स्कोर 902 है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस गेट में 3 साल से ऊपर है, और सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट सभी पढ़ाता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। मेरा कोड है CS10, जिसको लगा कि आप प्लस पे डिस्काउंट दे सकते हैं 10% का। और ये हमारी टीम जो बराबर मेहनत कर रही है, आप तक कंटेंट लाने की कोशिश कर रही है। चलिए ओके। ओके तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने ओके क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था आपका, एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। देखा था हमने क्या क्या पार्ट उसमें समझे थे। उस टाइम हमने देखा था कि हमारे पांच मेन लॉसेज हैं। एक हमारा हो गया इवेपोरेशन, ठीक है। एक हमारा इवेपोरेशन था, दूसरा हमारा ट्रांसपिरेशन था, तीसरा हमारा इंटरसेप्शन था, फिर डिप्रेशन स्टोरेज, जो पानी गड्ढों में भर जाता है, जो पानी जमीन पे नहीं पहुंच पाता उसे मैं इंटरसेप्शन बोलता था, है ना। और कुछ पानी ग्राउंड में चला जाता था, कुछ पानी ग्राउंड में चला जाता था, ओके। चलिए तो क्या पढ़ा था हम लोग बच्चों यहाँ पे, कि जो भी बारिश होगी, जरा रूल्स रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज हम लोग इवेपोरेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो भी एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वॉइस स्मूथ कर दी जाए, चलिए वॉइस को स्मूथ कर दिया जाएगा, रोज ट्रायल एरर चल रहे हैं। तो टोटल बारिश पी हुई, उसमें से बहुत सारे लॉसेस हुए, और जो बचा हुआ पानी वो रन ऑफ होके तो क्या पढ़ा था इसमें हम लोग ने, कि बारिश होगी और बहुत सारे लॉसेस होंगे। ये हमारा जमीन, ये हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड पे बहुत सारा पानी गिरेगा, ठीक है। बहुत सारी बारिश होगी पी फॉर्म में, और बहुत सारा पानी लॉस हो जाएगा। लॉस किस किस फॉर्म में होगा? एक तो इवेपोरेशन आपका था, दूसरा आपका ट्रांसपिरेशन था, तीसरा इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज, जो गड्ढों में भर जाता था, फिर मेरा पानी कुछ ग्राउंड में चला जाता है। जो पानी ग्राउंड में जाता है उसमें क्या बोलता था बच्चों? इनफिल्ट्रेशन बोलता था। जो पानी ग्राउंड में जाता है उसमें क्या बोलता था? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये सारे लॉसेस होने के बाद मेरा पानी रन ऑफ करेगा, जो भी पानी बच जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया था, एग्जाम्पल क्या लिया था कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई और 4 सेंटीमीटर लॉसेस हुए, तो कितना पानी दौड़ के नदियों में जाएगा बेटा? कितना पानी नदियों में दौड़ के जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ओके। 6 सेंटीमीटर हमारा रन ऑफ बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुला था जो हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या था, है ना। अब हम लोग को ये सारे डिस्कस करने थे, ये सारे बच्चे हम लोग को डिस्कस करने थे। ठीक है, देखिए अब तो इवेपोरेशन हमने शुरू करा था। क्या क्या फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन का इफेक्ट करते थे? वेपर प्रेशर अगर मेरा बढ़ता था, ठीक है, नमी, जब आपको सोचिए बाहर, अगर बाहर मेरी एनवायरनमेंट नमी बढ़ेगी, ठीक है, अगर बाहर मेरी एनवायरनमेंट नमी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अगर बाहर एनवायरनमेंट नमी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन का कम होगा, अच्छे से बताया था। सीधी बात है, बाहर अगर नमी ज्यादा होगी, मॉइस्ट क्लाइमेट अगर होगा मेरा, ठीक है, अगर मेरा क्लाइमेट मॉइस्ट होगा, नमी बहुत ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर सूखा सूखा रहेगा बाहर तो मेरे कपड़े जल्दी सूखेंगे,
या क्वेश्चन ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा से रूल उन्होंने पढ़ा था। अच्छा, हवा अगर ज्यादा दबाव लगाएगी तो पानी बाहर निकल नहीं पाएगा। हवा ज्यादा दबाव अगर लगाएगी सर तो पानी निकल नहीं पाएगा बाहर, है ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर मेरा ज्यादा होगा सर तो ये ऑपरेशन कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, जैसे जैसे मैं हाइट पे बढ़ती जाती है, जैसे मान लीजिए पहाड़ों पे चढ़ गया, किसी तरह से पहाड़ों पे चढ़े या ऊपर गए, तो आप ये चीज समझिए कि ठीक है, ये स्क्रीन सेट हो गई, चिंता ना करिए आप लोग, ठीक है। तो हवा क्या नाम है, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ेगी, मेरी हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे इवेपोरेशन मेरा बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हाइट पे कम रहता है, ठीक है। ज्यादा हाइट पे इवेपोरेशन मेरा ज्यादा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा का दबाव है, जो ऊपर से वायुमंडल दबाव लगाते हैं, वो कम होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हवा की स्पीड अगर बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन मेरा बढ़ेगा, विंड स्पीड अगर बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन मेरा बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने पढ़ा था, अगर पानी में नमक बढ़ेंगे, पानी में अगर मेरे नमक बढ़ेंगे तो सर इवेपोरेशन कम होगा। पानी में नमक बढ़ने से इवेपोरेशन कम होता है, ठीक है, बात हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे अब जो है क्या होगा, थोड़े से नमक आ जाएंगे, थोड़े से नमक के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और आप सभी को पता है, आप सभी लोग इतना होशियार हैं कि नमक के मॉलिक्यूल्स नहीं उड़ते बेटा, तो मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, ये लाल वाले नमक के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर नहीं उड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं उड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, आगे मैं बात करता हूँ तो मेरा फिर था वाटर बॉडी का शेप और साइज क्या है। जाहिर सी बात है बच्चों, जाहिर सी बात है, अगर मेरा वाटर बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया का ज्यादा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, जो इवेपोरेशन होगा उसकी गति भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, बात हो चुकी थी। फिर मैंने बात की थी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और गर्मियों की अगर मैं बात करूँ तो जो गहरी झीलें हैं या जो गहरी वाटर बॉडी है उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। और ऑब्वियस बात है, जो हल्की गहरी होंगी, जो हल्की गहरी झीलें होंगी या जो भी वाटर बॉडी है जो शैलो है, जिनकी डेप्थ ज्यादा नहीं है, ओके, जिनका डेप्थ ज्यादा नहीं है, तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा। भाई सिंपल सी बात है, आपकी कम गहरी झील है तो पूरा में टेम्परेचर फैल जाएगा, आपका पूरा टेम्परेचर महसूस करेगी वो झील, और जब पूरी पूरी गर्म होगी तो भाई इवेपोरेशन ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। बेसिक सी बात है कि नहीं है, ठीक है। और इसी का उल्टा किसमें था, विंटर्स में। डाउट देख लीजिए जरा, पुष्पेन जी ने पूछा है कि सर रन ऑफ अंडरग्राउंड भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है अंडरग्राउंड, ठीक है, अभी रन ऑफ चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग ये। सर प्लीज शिफ्ट योरसेल्फ टू द राइट ऑफ स्क्रीन। अब तो बेटा पूरे चैनल पे सब लोग लेफ्ट में आने वाले हैं इधर। चलिए आदत पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है। बाकी हम पूरा ट्राई कर रहे हैं हर दिन, ठीक है। डीप वाटर बॉडी समझ में, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कवर करना है। याद है आपको सारे फैक्टर्स क्लियर हो गए थे, ठीक है, फैक्टर्स आपको सारे क्लियर हो गए थे। अब बच्चे हम लोग को आज पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। तो बढ़िया से हम लोग आज शुरू करते हैं। चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। अरे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सब सही चल तो रहा है, आवाज आवाज आ रही है, वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, सेटिंग की गई है ताकि इमेज आपको जाए, स्क्रीन ज्यादा विजिबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिन पर दिन चीजें और बेहतर होती जाएंगी तो आप चिंता मत करिए। अब देखिए, चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं, समय जाया ना करते हैं ज्यादा, मेजरमेंट अब शुरू करते हैं। तो देखिए मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए तीन तरीके हैं मेरे पास, बेटा ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरीके हैं मेरे पास मेजरमेंट के, ठीक है। पहला तरीका हो गया सर इवेपोरीमीटर। सर ये यंत्र है, ये एक ऐसा यंत्र है, ये एक ऐसा इवेपोरीमीटर है, ऐसा मीटर है जो इवेपोरेशन को मेजर करेगा, बहुत ही आसान सी बात है। दूसरा तरीका सर मेरा होता है, एक तो आप क्या करिए सर, फील्ड डेटा की मदद से आप जो मीटर लगाते हैं फील्ड में लगाएंगे उसके डेटा की मदद से आप क्या करिए इवेपोरेशन का माप निकाल लीजिए, ठीक है, इवेपोरेशन को नाप लीजिए, ठीक है। फील्ड डेटा की मदद से आप क्या करिए इवेपोरेटर यूज करके इवेपोरेशन को नाप लीजिए, ठीक है।
मैं बताऊंगा कैसे होता है, अभी ओवरव्यू लेते हैं पहले और फिर हम लोग अंदर उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। दूसरा होते हैं मेरे कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले, दूसरे होते हैं मेरे कुछ इंपेरिकल फॉर्मूले। अब बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है कि कोई साइंटिस्ट था, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, बहुत सारा फील्ड वर्क किया और उसने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, काफी प्रयोग करने के बाद, उसने काफी प्रयोग किए, काफी एक्सपेरिमेंट किए और कई प्रयोगों के बाद किसी इलाके में उसने बहुत सारे प्रयोग किए और एक फॉर्मूला बना दिया। तो ऐसे फॉर्मूला को मैं क्या बोलता हूँ, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दो बातें हो सकती है बच्चों, अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे दो बातें हो सकती है, क्या है वो दो बात, या तो मेरा इवेपोरेशन सही है या तो मेरा गलत है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत अगर आ रही है और लगभग लगभग सही आ रहा है इवेपोरेशन, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला लगभग लगभग आपका सही है, ठीक है, लगभग लगभग सही है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दो इंपेरिकल फॉर्मूले हमारे हैं जो हम लोग को थोड़ा समझने हैं, बल्कि नाम ही जानना है हमें, ठीक है, नाम ही जानना है, ज्यादा इसमें फॉर्मूला उतना नहीं आएगा, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूले दुनिया भर में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स हैं जो बराबर फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं। तो बस हम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, सिर्फ उन फॉर्मूलों का नाम याद होना है, एसएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो हमें उन फॉर्मूलों का नाम याद होना चाहिए, जिससे कि सिर्फ उन फॉर्मूलों का नाम अगर याद है हमें तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, या मैं आपको बताता हूँ मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि मेयर्स फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा इंपेरिकल फॉर्मूला है जो मेयर द्वारा दिया गया है, जो मेयर द्वारा दिया गया था इवेपोरेशन का मेजरमेंट करने के लिए, इवेपोरेशन का मेजरमेंट करने के लिए। ऐसे दूसरा है मेरा रोवर्स फॉर्मूला, ठीक है, नाम याद रखिए, रोवर्स फॉर्मूला, रोवर द्वारा दिया गया है, रोवर द्वारा दिया गया है क्या नापने के लिए, क्या नापने के लिए, इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए। ओके, आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद मेरा तीसरा जो है, तीसरा है वो है मेरा एनालिटिकल मेथड्स, तीसरा है मेरा एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें तीन अप्रोच होती है हमारी एनालिटिकल में, मेरी तीन अप्रोच है, ठीक है। पहली एकदम बेसिक अप्रोच है, पहली बेसिक अप्रोच है जो अपनी कौन सी है, मास कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ वाटर बजट। आप सब लोग वाटर बजट मुझसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, वाटर बजट आप लोग सब मुझसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कितना पानी आया, कितना पानी का मास आया, कितना पानी का मास गया, उस कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, उस कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लेते हैं इवेपोरेशन कितना होगा, वाटर बजट मेथड। तो वाटर बजट मेथड का इस्तेमाल करके ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, और बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, हम लोग एनर्जी को बैलेंस करके, एनर्जी को बैलेंस करके, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी को बैलेंस करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए लेक है, उसमें बहुत सारी हीट आती है सन की, ठीक है, तो सन की जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, सन की बहुत सारी एनर्जी आ रही है आपको पता है। अब वो एनर्जी कुछ कुछ काम में इस्तेमाल होगी, जैसे कुछ एनर्जी लगेगी तालाब को गर्म करने में, कुछ एनर्जी क्या लगेगी, कुछ एनर्जी उसकी जो है सूरज की जो तालाब में आएगी, वो तालाब से उड़ के चली जाएगी हवा में, कुछ एनर्जी होगी जो ग्राउंड में चली जाएगी, और कुछ एनर्जी होगी जो इवेपोरेशन में लग जाएगी, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी को कंजर्व करके ये पता लगाते हैं कि इवेपोरेशन में मेरी कितनी एनर्जी लगी, इवेपोरेशन में कितनी एनर्जी लगी, आर यू गेटिंग इट, और उसी से हम निकाल लेते हैं कि इवेपोरेशन कितना होगा। तो वाटर बजट में हम लोग मास का कंजर्वेशन करते हैं, वाटर बजट में हम लोग मास का कंजर्वेशन करते हुए ये सोचने की कोशिश करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकल है ये, ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, थ्योरी लगाते हैं, ठीक है, और असली में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। अगर असली में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, असली में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो मेरा है इवेपोरेटर, ठीक है, आप फील्ड का डेटा लेके आएंगे और मीटर की मदद से आप आंसर निकाल लेंगे। इंपेरिकल फॉर्म में प्रयोग पहले ही हो चुके हैं, मेरे प्रयोग पहले ही हो चुके हैं, दो तीन लोगों ने पहले ही प्रयोग कर दिया और कुछ फॉर्मूले बना दिए, जैसे एक फॉर्मूला हमारा मेयर्स फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला हमारा रोवर्स फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरह से हमने कुछ प्रयोग करके पहले फॉर्मूला बना दिया, तो एक बार प्रयोग हो चुके हैं हमको चेंज नहीं करना है, इनका ये मानना है कि हमेशा ये लगभग सही सही आंसर देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, कभी हमारे रिजल्ट डिवेट हो सकते हैं, कभी रिजल्ट बिल्कुल डिवेट हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन 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 हमें इनको यूज करना है, मेयर फॉर्मूला रोवर फॉर्मूला ऑलमोस्ट करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर फील्ड डेटा अब आज के समय में यूज कर रहे हैं, एक्चुअल का फील्ड डेटा यूज करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं, तो वो मेरा है इवेपोरेटर, सबसे मेन कौन सा मेरा इवेपोरेटर, ठीक है।
पहले के जो डेटा यूज करके हमने एक फॉर्मूला ही बना दिया और आज भी हम उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लगभग लगभग हमेशा सही आंसर देता है, ठीक है, थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, तो मेरा मेयर और लोअर फॉर्मूला है, ठीक है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूले हो गए। और आपने क्या किया, घर बैठे बैठे अपनी नॉलेज के बेसिस पे, थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है, आपने थ्योरी के बेसिस पे एनालिसिस करी किसी चीज की और आपने नतीजे निकालने की कोशिश करी, ठीक है, ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, आपने थ्योरिटिकली उसको कैलकुलेट करने की सोची, ठीक है, तो मेरा हो जाएगा एनालिटिकल मेथड। और तीसरा जो इसमें होता है मेरा एनालिटिकल मेथड जो मेरा तीसरा है, तो पहला मेरा था वाटर ब्रेक मेथड, दूसरा था एनर्जी बैलेंस, तीसरा है मेरा मास ट्रांसफर मेथड। ये बहुत ही एडवांस्ड अप्रोच है, इससे सबसे बेस्ट मेथड है, बल्कि ये जो सबसे बेस्ट मेथड है, एडवांस मेथड है, एडवांस हाइड्रोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे एमटेक वगैरह करते हैं तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया लगेगा, ठीक है, बहुत एडवांस थ्योरी है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, एडवांस थ्योरी है ये, ठीक है। मास ट्रांसफर होता है, आप सबको पता है, जब इवेपोरेशन होता है तो बाउंड्री लेयर से, ठीक है, पानी मेरा उड़ के बाहर निकलता है, उस बेसिस पे इसको बनाया गया थ्योरी को, ये बहुत हाई लेवल की चीज, आप मत जानिए, आप बस इतना समझ लीजिए कि मास ट्रांसफर मेथड अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बताएंगे मास ट्रांसफर मेथड एक एनालिटिकल मेथड है। मास ट्रांसफर मेथड में हम लोग एनालिसिस करते हैं और इवेपोरेशन मेजर करते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन को मेजर करते हैं। एनर्जी बैलेंस में मैं क्या करता हूँ, एनर्जी को कंजर्व करते हुए ये देखता हूँ कि इवेपोरेशन में कितनी एनर्जी लगी और उसको निकाल के मैं इवेपोरेशन का मेजरमेंट कर लूंगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आपको ओवरव्यू मिला होगा। अब थोड़ा चलते हैं इसकी डिटेल में, अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा मीटर की चिंता मत करो, जैसे एटमोमीटर तुम यहाँ पूछ रहे हो, मैं सारे मीटर तुम्हें हाइड्रोलॉजी के बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें अपने हाइड्रोलॉजी में जितने भी मीटर्स हैं हाइड्रोलॉजी में, वो सारे मीटर तुम्हें हाइड्रोलॉजी के बता दूंगा, जैसे लिसी मीटर है, एटमोमीटर है, फाइटोमीटर है, करंट मीटर है, जितने भी मीटर्स हैं, ठीक है, सारे बता दिए जाएंगे, स्टीवेंसन बॉक्स है, सब बता देंगे। चलिए अब इन तीनों की बात करता हूँ, इनको जरा अरेंज कर लीजिए आप, ठीक है, इन तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है मेरा, वाटर बजट, इन तीनों में सबसे बेस्ट मेरा कौन सा है, वाटर बजट है। एक सेकंड रुकिए जरा, चलिए हाँ, तो इसमें अगर मैं अरेंज करूं ऑर्डर में देखूं यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ वाटर बजट सबसे पहला है, जो थोड़ा सा लीस्ट रिलायबल है, जिससे आंसर कम अच्छा आता है। फिर है मेरा एनर्जी बैलेंस थोड़ा सा और अच्छी अप्रोच है, और सबसे एडवांस अप्रोच, जो सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरी, सबसे बेस्ट अप्रोच है वो मेरी कौन सी है, मास ट्रांसफर। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पार्टी चाहिए विजय जी को पार्टी चाहिए यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिलेगी सब, रैंक लाइए बच्चों, आप लोगों को पार्टी मिलेगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से मन लगाया, पढ़ाई करिए आप लोग। तो एनालिटिकल मेथड से मेरा सबसे बेकार मेथड जो लीस्ट रिलायबल है वो है वाटर बजट, फिर है मेरा एनर्जी बैलेंस जो थोड़ा और अच्छा है, और सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है, वो मेरा कौन सा है, मास ट्रांसफर, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों अगर आप लोग समझेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग को याद रखना है वो है आपका इवेपोरेटर, इसको जरा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। एटमोमीटर बेटा दूसरी चीज है, ठीक है, एटमोमीटर जो है आपकी दूसरी चीज है, इवेपोरेटर अलग है यहाँ पे, ठीक है, एटमोमीटर अलग है, इवेपोरेटर की अलग बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, लेकिन एटमोमीटर भी आपका इवेपोरेशन नापते हैं, लेकिन वो अलग है, ठीक है, वो अलग है, उनकी प्रिंसिपल अलग है, ये इवेपोरेटर अलग है हमारे। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इवेपोरेटर, आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ सकता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग इवेपोरेटर। तो देखिए इसमें किस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पे पढ़ने हैं 3 मीटर, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, 3 मीटर है मेरे, 3 इवेपोरेटर मुझे पढ़ने हैं, 3 मैं यहाँ पढ़ूंगा, थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा चीजें, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। 3 मेरे मीटर हैं,
ठीक है। देखिए पहला मेरा जो पहला मीटर है उसका नाम है क्लास ए पेन, ठीक है। जो पहला मेरा मीटर है सर, फर्स्ट मीटर जो मेरा यहाँ पे आ रहा है वो है क्लास ए पेन, ठीक है, क्लास ए पेन। दोस्तों ये जो हमारा क्लास ए पेन होता है कैसे दिखता है, क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। तीन होते हैं, पहले तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा जो अपने इंडिया में यूज होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड पेन, आईएस पेन जो मेरा इंडियन स्टैंडर्ड है, जो भारत देश में इस्तेमाल होता है काफी, ठीक है, उसको मैं बात करता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड पेन, ठीक है। अच्छा दोस्तों इन्होंने जो ये पेन था ये एकदम क्लास ए पेन से कॉपी कर दिया, क्लास ए जो पेन होता है। अच्छा क्लास ए पेन मेरा यूज कहाँ होता है, यूएसए में बेटा, याद रखिएगा कहाँ यूज होता है वो, यूएसए में यूज होता है। कॉपी कर दिया इन्होंने, इंडिया वालों ने क्या करा, यूएसए वाले कॉपी कर दिया। जैसे आप देखते होंगे कि आपका इंडिया गॉट टैलेंट आता है तो वो अमेरिका गॉट टैलेंट से कॉपी किया गया है, समझ रहे हैं आप, इस तरह से कॉपी मार देते हैं यहाँ पे सब। अब क्लास ए पेन आपका यूएसए में बहुत यूज होता है, ठीक है, यूएसए के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन इंडिया वालों ने क्या किया, इंडियन स्टैंडर्ड पेन ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने मॉडिफाइड पेन बना दिया, ठीक है, इसलिए इसको मॉडिफाइड पेन भी बोलते हैं। मॉडिफाइड मतलब थोड़े से चेंजेस हमने कर दिए, इसलिए इसका नाम है मॉडिफाइड क्लास ए पेन, ठीक है, मॉडिफाइड क्लास ए पेन। अपने लिए बेटा यही सबसे जरूरी है, पूछे क्यों, क्योंकि इंडिया में जब यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली सबसे जरूरी होगा, है ना, अपने लिए सबसे जरूरी यही है ना, इंडिया में यूज हो रहा है तो क्लास ए पेन जरूर याद रखिए आप लोग, आई एस पेन जरूर याद रखिए। और तीसरा जो मेरा होता है वो होता है सर कोलोराडो संकेन पेन, तीसरा जो मेरा है सर वो है कोलोराडो संकेन पेन। अब बेटा अगर आप ये तीन पेन, ठीक है, तीन इवेपोरेटर भूल गए तो आप ये समझिए कि आप एग्जाम में एक मार्क्स लूज कर सकते हैं, ठीक है, एसएससी में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूंगा इनके पेन कोफिशिएंट की। अब आप सोचेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, पेन कोफिशिएंट क्या होता है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसके मैं पेन कोफिशिएंट आप लोगों को समझाता हूँ जरा। किसी को अगर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्लास ए का पेन कोफिशिएंट कितना होता है, 0.7 होता है, इंडिया वाले का कितना होता है, 0.8, और कोलोराडो संकेन पेन उसका कितना होता है पेन कोफिशिएंट, 0.78, ठीक है। ये तीन होगा मेरे इवेपोरेटर, आप लोग याद रखेंगे, बताइए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को ये याद रखना अच्छे से, बिल्कुल अगर आप भूल गए तो आप समझिए आपका एक मार्क्स चला जाएगा। अब जरा थोड़ा चलते हैं डिटेल में, अब चलते हैं डिटेल में कि सर ये पेन आखिर है क्या, कैसे काम करते हैं, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये पेन कोफिशिएंट क्या है, इनका मतलब क्या है। पहले बेटा मोटी मोटी बात तुम अपने दिमाग में ये रखो, पहली बेटा बात तुम दिमाग में रखो क्लास ए और आईएस पेन, बस तुम इतना याद रखो, कोलोराडो संकेत पेन याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं दोनों से आएंगे, ठीक है, इंडिया में यूज होता है और सबसे जो पॉपुलर है वो मेरा क्लास ए पेन है जो यूएसए में यूज होता है, और जो मेरा इंडियन स्टैंडर्ड पेन है बेटा वो कहाँ पे यूज होता है आपका, वो ऑब्वियसली बात है आपका कहाँ यूज होता है, इंडिया में, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए चलिए तो अब देखते हैं, अब थोड़ा समझते हैं सर ये आखिर है क्या, आखिर इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है, वो हम लोग को थोड़ा सा बताइए। देखिए अब होता ये है कि हमारा जैसे इस प्रकार का पेन होता है, जैसे मान लीजिए आपका तालाब है, ठीक है, आपको तालाब में इवेपोरेशन मेजर करना है, बहुत ध्यान सुनिए मेरा कॉन्सेप्ट, आपको तालाब में इवेपोरेशन मेजर करना है, ठीक है, तो ये आपका पेन है, ये गोल गोल होता है, अगर ऊपर से आप इसको देखेंगे सर क्रॉस सेक्शन, ऊपर से आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये गोल होता है, ठीक है, बस एक टब जैसा होता है, एक टब जैसा होता है, जिसकी हाइट होती है लगभग, हाइट इसकी लगभग होती है 255 mm, ठीक है, इसका जो आपका डायमीटर रहता है वो होता है 1210 mm, ठीक है, ये आपका कुछ मीटर है। अब ध्यान सुनिए, आप इसके अंदर पानी भर दीजिए सर, आप इसके अंदर एक काम करिए, पानी भर दीजिए, ये ब्लू रंग से मैं पानी को डेंट कर रहा हूँ, पूरा पानी भर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, पूरा पानी अच्छे से भर दीजिए आप, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये इंडियन स्टैंडर्ड पेन बनाया है आपका, आप यहाँ पानी भर दीजिए सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। अब क्या होगा कि आप एक दिन बाद जब लौट के आएंगे तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, एक दिन बाद जब आप लौट के आएंगे तो आप देखेंगे सर यहाँ पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, अरे जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर इवेपोरेशन हो गया, जो पानी यहाँ पे कम हो गया इसका मतलब वहां पे क्या हो गया सर, मेरा इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 mm पानी कम हुआ एक दिन के अंदर, ठीक है, जो पानी की डेप्थ यहाँ इवेपोरेटर में कम हुई है उसको मैं बोल रहा हूँ 5 meter, 5 mm, कितना बोल रहा हूँ बेटा 5 mm, तो मैं बोलूंगा सर एक दिन में मेरा कितना इवेपोरेशन हो गया,
एक दिन में मेरा कितना इवेपोरेशन हो गया, मैं बोलूंगा सर 5 mm, मैं बोलूंगा सर 5 mm पर डे। इस प्रकार से बेटा, इस प्रकार से मैंने इवेपोरेशन को मेजर किया इस पैन के अंदर। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं इसको मैं बोलता हूँ पैन, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने डायमेंशन वगैरह लिखे हैं ये सब लिखे हैं मैंने इंडियन स्टैंडर्ड पैन की। बच्चों किसकी लिखी है? इंडियन स्टैंडर्ड पैन की, IS पैन, ठीक है। पूरा एक कोड भी है इसका। अच्छा, ये जो मेरा क्लास है यूएसए वाला प्लान है वो भी एकदम सेम इसी प्रकार का है, एकदम इसी प्रकार का है, आप समझने की कोशिश करिए, एकदम वही है। लेकिन जो मेरा क्लास है पैन है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है, वो सर मेरा गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का बना होता है। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट क्या होती है आपको पता होगा? गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट किसी को पता है? जल्दी से कमेंट करिए। आज स्टील की क्लास है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, सब कुछ होगा एकदम। शैलेश जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कौन से मेटल का बना है वो भी अफेक्ट करेगा। देखिए वही पॉइंट मैं यहाँ उठाने जा रहा था, अभी यही मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए कैप्टन कह रहे हैं कि वेपोरोमीटर लुक्स लाइक चिकन हंडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लास ए पेन मेरा GI शीट का बना होता है, ठीक है। देखिए मैं मेटल्स के ऊपर चर्चा करूंगा, सब बताऊंगा आपको, चिंता मत करिए, ध्यान से सुनिए। सर क्लास ए पेन मेरा GI शीट का बना है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का, ठीक है। आयरन को मैं जिंक की कोटिंग अगर कर देता हूँ तो उसे मैं बोलता हूँ गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। आयरन पे, लोहे पे अगर मैं जिंक की कोटिंग कर दूं ताकि उस पर जंग ना लगे तो मैं उसे बोलता हूँ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। लेकिन इंडिया वालों ने क्या करा सर, इंडिया वालों ने देखा देखी, इंडिया वालों ने सर क्या किया, देखा देखी उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने कहा भाई यूएसए वालों ने क्लास ए पेन बनाया, तुम लोग ने क्या करा, GI शीट का बनाया, तो एक काम करते हैं हम उसको कॉपर का बना देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए अपने देश में क्या है, जुगाड़ बहुत ज्यादा चलता है, अपने देश में जुगाड़ चलता है बहुत ज्यादा। क्या करते हैं यहाँ पे, मॉडिफिकेशन करते हैं, कॉपी पेस्ट करके दिमाग लगा देते हैं। आपने कॉपी किया, थोड़ा ट्विस्ट किया और आपने पब्लिश कर दिया। यहाँ इंडिया में ये बहुत ज्यादा चलता है। तो इन्होंने क्या बोला कि सर कॉपर का बना दो, कॉपर का बना दो, ठीक है, और डायमेंशन थोड़े चेंज कर दो। अब जैसे डायमेंशन की मैं बात करूं, जैसे इसका 1200 है तो इंडिया वालों ने 1220 कर दिया। ये 255 है तो वो 255 रखा। ये इनका GI शीट का बना था US वालों का, तो इन्होंने इंडिया वालों ने किसका बना दिया, कॉपर का, समझ रहे हैं। आप याद रखिएगा कॉपर शीट का बना होता है मेरा इंडियन स्टैंडर्ड पैन, इंडियन स्टैंडर्ड पैन मेरा किसका बना है, कॉपर का, ठीक है। ये जो बना है, ये पूरी जो इसकी बॉडी है बेटा, ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की, ठीक है। अब देखते हैं सर ये फंक्शन कैसे करेगा, अब ये देखते हैं सर फंक्शन कैसे करेगा, ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान सुनो, अब तुम अगर ये नहीं समझ पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कैसे हम लोग इवेपोरेटर की मदद से लेक का इवेपोरेशन नापेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेजर लेक इवेपोरेशन, ये तुम्हें एकदम रियल चीज मिलेगी अब, हाउ टू मेजर लेक इवेपोरेशन विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेटर, है ना, हाउ टू मेजर लेक इवेपोरेशन विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेटर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ मेरा लेक था, ये बगल में मेरा लेक है, ठीक है, बहुत गहरा सा लेक होगा यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए ये लेक है, देखिए बढ़िया सा लेक हमने बना दिया, तालाब बना दिया, ठीक है, बढ़िया तालाब बनाया हमने। बहुत ध्यान सुनिए, अगर ये समझ गए, ये क्वेश्चन SSC में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आता है, इसको अच्छे समझिए। चलिए ये मेरा हो गया लेक और ये मेरा हो गया लेक का सरफेस एरिया। अब एक बात समझिए, आप मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, ये जो इवेपोरेटर मैं लेके आ रहा हूँ इसको मैं लेक के जस्ट बगल में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो कंडीशंस मेरी लेक में होने वाली है वैसे ही कंडीशंस, वैसे ही माहौल मुझे सिमुलेट करना होगा, कहाँ पे उसी तरह का सेम माहौल मुझे कहाँ चाहिए बेटा, इवेपोरेटर में, ठीक है। जैसा माहौल मेरा लेक में होगा वैसे ही माहौल मुझे इवेपोरेटर में चाहिए। अब होगा क्या, एक दिन में क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान समझिए, एक दिन में ये मान के चलिए कि दोनों में कुछ पानी की मात्रा कम होगी, आप समझ रहे मेरी बात, दोनों में कुछ पानी की मात्रा कम होगी, तो लेक में जो मेरा पानी की मात्रा कम होगी एक दिन में, मान लीजिए वो तो मुझे पता करना है, वो तो मैं नाप नहीं रहा हूँ सर, है ना, मुझे पता करना है कि लेक में कितना पानी की डेप्थ कम हो गई, मुझे ये पता करना है कि पानी की डेप्थ लेक में कितनी कम होगी, ठीक है। तो मैं मेजर करूंगा कि एक दिन में इवेपोरेटर में पानी की डेप्थ कितनी हुई, कम, तो मान लीजिए एक दिन पूरा पूरा निकला, कुछ पानी की डेप्थ लेक में कम हुई और कुछ पानी की डेप्थ इवेपोरेटर में कम हुई,
आपने इवेपोरेमीटर वाला नोट कर लिया क्योंकि वो तो आपके कंट्रोल में, उसको तो आप मेजर करते जा रहे हैं, ठीक है। आप सीधे सीधे वहाँ पे ग्रेजुएशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग होती है, आप अच्छे से कब देख सकते हैं उसे। आपने चेक किया यहाँ पे कि एक दिन बाद जब मैं लौट के आया तो मेरा क्या नाम है, मेरा इवेपोरेमीटर के अंदर 10 mm पानी, 10 mm पानी कम हो गया, ठीक है। चलिए तो मेरा एक 10 mm पानी कम हो गया। अब मुझे ये बताइए सर, अब सवाल ये उठता है, सवाल बच्चों ये उठता है कि अगर 10 mm पानी मेरा, अगर 10 mm पानी मेरा इवेपोरेमीटर में कम हुआ तो लेक में कितना कम हुआ होगा सर, ठीक है। तो लेक में कितना कम हुआ होगा इसको कैसे पता लगाएंगे सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे पता लगाएंगे, इसका रूल समझिए आप लोग बच्चों। देखिए तो जब आपको एक्चुअल लेक इवेपोरेशन निकालना है, ये फॉर्मूला आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके एक नंबर पक्के होने वाले हैं, बहुत दिल थाम के देखिए इसे, बहुत जरूरी फॉर्मूला है ये। आपको पता लगाना है कि एक्चुअल में लेक में इवेपोरेशन कितना हुआ है ना। देखिए हुआ तो 10 mm, हुआ तो 10 mm है, लेकिन वो इवेपोरेमीटर में हुआ है, लेक में ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए लेक अलग है, लेक के चारों ओर मिट्टी होती है, ठीक है। लेक का जो आप समझिए जैसे इवेपोरेमीटर है आपका, वो तो भाई बर्तन है, वो तो कॉपर का बर्तन है भाई, है ना, कॉपर मेटल है। और जो मेरा लेक है उसको जो बॉडी सराउंड कर रही है वो तो मेरी मिट्टी है, ठीक है, वो तो मेरी मिट्टी है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो अलग है और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट अलग है। तो यहाँ पे अगर इवेपोरेशन 10 मीटर हुआ है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे भी 10 mm कम होगी, समझ रहे हैं आप। तो कैसे निकालेंगे हम लोग एक्चुअल इवेपोरेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग पैन कोफिशिएंट को इंटू करते हैं, ये सीपी को मैं बोलता हूँ, पैन कोफिशिएंट को इंटू करते हैं पैन इवेपोरेशन से। बहुत ध्यान समझिए, हम लोग क्या करते हैं पैन कोफिशिएंट को पैन इवेपोरेशन से इंटू कर देते हैं। अब आप पूछेंगे सर सीपी की वैल्यू क्या है, सीपी की वैल्यू मैंने सारी आपको लिखवाई थी, सीपी की वैल्यू मैंने आपको भी अच्छे से लिखवाई थी यहाँ पे, है ना। देखिए अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो देखिए मैं इंडियन स्टैंडर्ड पैन लिया था, अरे लेक के बगल में मैंने जो पैन लगाया बेटा, लेक के बगल में जो मैंने पैन लगाया वो कौन सा था मेरा, इंडियन स्टैंडर्ड पैन, समझ रहे हैं आप, मैंने इंडियन स्टैंडर्ड पैन लगाया। बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है, उसका पैन कोफिशिएंट या सीपी को जो मैं बोल रहा हूँ उसका जो पैन कोफिशिएंट है वो सर कितना है, उसका जो पैन कोफिशिएंट है सर वो कितना है, सीपी 0.8 है, वो सर मेरा 0.8 है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, अगर आपको लेक में इवेपोरेशन पता करना है तो 0.8 इंटू 10 mm कर दीजिए, 10 mm कर दीजिए सर। ये 10 mm क्या है, 10 mm सर क्या है, आपका जो इवेपोरेशन हो रहा है किसमें, इवेपोरेमीटर में, पैन में, आपका जो पैन है उसमें जो इवेपोरेशन हो रहा है जो 10 mm था, उस 10 mm को आप 0.8 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, कितना हो गया 8 mm। इसका मतलब सर लेक में कितना इवेपोरेशन हुआ, इसका मतलब मेरा लेक में कितना इवेपोरेशन हुआ बेटा, 8 mm। अब आप एक बात समझिए बहुत गौर से, सीपी आपका पैन कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सीपी आपका पैन कोफिशिएंट है, मनीषी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो सीपी आपका पैन कोफिशिएंट है, इंडियन स्टैंडर्ड मैंने लिया था तो वो मेरा 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 को मैंने 10 mm से इंटू करा तो पैन में जो मेरा इवेपोरेशन होता वो 10 था, उसको मैंने 0.8 से इंटू करा जो कि पैन कोफिशिएंट था, ठीक है, तो मेरा आ गया 8। इसका मतलब लेक में कितना इवेपोरेशन हुआ एक दिन के अंदर, लेक में मेरा कितना इवेपोरेशन हुआ एक दिन के अंदर, 8 mm। यहाँ पे इसका मतलब सर ये है कि लेक में लगभग लगभग आपका 8 mm पानी की डेप्थ घट गई होगी। इसका मतलब सर लेक में कितने पानी डेप्थ घट गई होगी, 8 mm। अक्षय जी आते हैं इस पे लेक का एरिया पे आते हैं, चिंता मत करिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं जल्दी से मुझे कमेंट करिए, यस सर ये क्लियर हो गया मुझे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, आप अगर एक बात मुझे ये बताइए, एक बात मुझे बताइए, बहुत ही आसान सी बात मैं पूछने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ मैंने लेक के बगल में, अच्छा लेक के बगल में ही क्यों रखा मैंने, क्योंकि जो माहौल लेक में बनने वाला था उसी प्रकार का सेम माहौल, सेम एनवायरनमेंट, सेम टेम्परेचर, सब कुछ सेम, सारी नमी समी जितनी जो भी नमी एनवायरनमेंट है सारा मुझे सेम चाहिए एक्सटर्नल कंडीशंस, तभी मैंने लेक के बगल में अपना पैन रखा। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्लास ए पैन रख दिया होता जो यूएसए में यूज होता है, ठीक है, अगर यहाँ मैंने क्लास ए पैन रखा होता सर, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्लास ए पैन रखा होता तब पता है मेरा आंसर क्या हो जाता, तब मेरा आंसर क्या हो जाता, जल्दी कमेंट कीजिए, तब मेरा एक्चुअल इक्वेशन कितना हो जाता, तब मैं 0.7 लेता, तब मैं 0.7 से 10 mm को इंटू करता, क्यों, ठीक है 0.7 में लेता, क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लास ए का जो वैल्यू है पॉइंट पैन कोफिशिएंट वो कितना बेटा 0.7। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आप यूएसए की बात कर रहे हैं वहां पे लेक का जब इवेपोरेशन निकालते हैं तो वो लोग 0.7 यूज करते हैं और हम लोग 0.8 यूज करते हैं, ठीक है,
बिल्कुल सही, वेरी गुड, आप लोग अच्छे समझ पाए इसे। हाँ, अभी सरफेस एरिया का बता रहा हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सरफेस एरिया मैं तुम लोग को बताता हूँ और सीपी की वैल्यू अलग क्यों है इस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। देखो अब आगे, चलो इतना क्लियर हो गया। अब जरा मैं थोड़ा सा एरिया की बात कर लूँ, बहुत बच्चे एरिया को लेकर परेशान हो रहे हैं, एरिया की बात करो। अब देखो मान लो इसी में क्वेश्चन बनाता हूँ, मान लो इसी में मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेक था ये वाला अपना, ठीक है, ये जो मेरा गिवन लेक अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, मान लीजिए लेक का एरिया है, मान लीजिए लेक का एरिया है मेरा 100 हेक्टेयर। बहुत ध्यान समझना बेटा, पूरा एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सीपी की वैल्यू अलग अलग क्यों है वो भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो बस। तो लेक एरिया मेरा 100 हेक्टेयर है, ठीक है, तो फाइंड करिए कितना वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन हुआ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस पर डे, मतलब एक दिन में मेरा कितना पानी इवेपोरेशन में उड़ गया ये बताइए सर, ठीक है, एक दिन में मेरा कितना पानी इवेपोरेशन उड़ गया बताइए। तो कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, देखिए बहुत ईजी है आंसर, मैं इसका दिखाता हूँ आप लोग को। अच्छा आपको ये पता चल गया कि इंडिया के हिसाब से यहाँ पे 8 mm पर डे। अच्छा आप सबको ये तो पता है ना, देखिए बच्चों आप लोगों को इतना तो पक्का पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जब वॉल्यूम निकालनी होती है किसी चीज की तो आप क्या करते हैं, एरिया इंटू डेप्थ, और यहाँ मैं किसकी डेप्थ लूंगा, डेप्थ ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है कि जो मेरा लेक में पानी कम हुआ है वो 8 mm हुआ है, आपने मीटर की मदद से मीटर में डेप्थ कम हुई तो मेरे लेक में कितनी डेप्थ कम हुई, 8, मुझे पता चल गया सर। अब आप उस डेप्थ को क्या करिए, आप उस डेप्थ को इस लेक के सरफेस एरिया से इंटू कर दिए, जो भी यहाँ लेक का सरफेस एरिया वो मैंने कितना माना है बेटा, वो मैंने यहाँ कितना माना है 100 हेक्टेयर, बहुत ध्यान समझना है बेटा, ठीक है, वो मैंने कितना मान लिया है सर 100 हेक्टेयर। तो अब मैं क्या करूंगा सर, अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, एरिया मेरा 100 हेक्टेयर है और आपको पता है 1 हेक्टेयर, अच्छा मैं हेक्टेयर हटा के क्या लिख दूंगा, 10^4 m², बताइए इसमें किसी को कोई डाउट, 1 हेक्टेयर सबको पता है, अगर नहीं पता मैं लिख देता हूँ, 1 हेक्टेयर मेरा कितना होता है 10^4 m² या 10,000 m², पता होगा आप लोग को, आशा कर रहा हूँ आप लोग को पता है ये, ठीक है। तो देखिए एरिया मेरा इतना रहा 100 हेक्टेयर, मतलब 10^4 m², और जो मेरी डेप्थ है, ये मेरी जो डेप्थ है, डेप्थ की जगह मैं क्या रखूंगा, 8 mm per day। अच्छा बताइए mm को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, mm को अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा बताइए, अगर मैं यहाँ से mm हटा दूँ, mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, आप लोग को ये तो पता ही है, तो mm को हटा के मैंने लिख दिया 1/1000, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान सी बात है, आप सबको पता ही है कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1 mm में कितने मीटर हो जाएंगे, 1/1000, ठीक है, तो मैंने मिलीमीटर को लिख दिया मीटर में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करा आपने तो ये आपके 3 0 इससे कट गए, यहाँ 3 0 कट गए, 1 0 बचा, तो आपका हो गया 3 0 यहाँ और एक ये 8000 m³ पर डे। इसका मतलब मेरे लेक में से सर क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब मेरे लेक में से, मेरा जो ये लेक है सर, इस लेक में से मेरा कितना पानी निकल गया एक दिन के अंदर, 8000 m³ वॉल्यूम सर, 8000 m³ वॉल्यूम मेरे लेक में से उड़ गई, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सही, नो डाउट। अब आप एक चीज समझो, यहाँ बच्चे एरिया की बात कर रहे हैं, अब खुद सोचो अगर एरिया चेंज होगा, देखो डेप्थ तो हमेशा आएगी किसके हिसाब से, या कोई मीटर के हिसाब से डेप्थ जो भी होनी होगी हो जाएगी सर, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे एरिया से क्या मतलब सर, मान लीजिए एक तालाब है जिसका एरिया कुछ है, दूसरा तालाब है जिसका एरिया कुछ है, मुझे क्या करना है सर, मुझे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं तो चुपचाप क्या करूंगा सर, मुझे चुपचाप बस इतना करना है, जो भी डेप्थ और इवेपोरेशन आई है उससे मैं एरिया को इंटू कर दूंगा, तालाब के एरिया को इंटू कर दूंगा, है ना, बहुत ध्यान सुनिए, तालाब के एरिया को इंटू कर दूंगा, ठीक है। अब जो भी मेरा तालाब का एरिया होगा उससे मैं डेप्थ को इंटू करूंगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगी। अब आपका अगर एरिया ज्यादा होगा, मान लीजिए बड़ा तालाब है, बेटा ध्यान सुनिए, आपने पढ़ा हुआ है, अगर बड़ा तालाब है तो उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तालाब अगर बड़ा है तो सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया मेरा ज्यादा होगा सर तो वॉल्यूम भी अपने आप क्या होगी, ज्यादा, लेकिन डेप्थ मेरी क्या चलेगी, कॉन्स्टेंट, आप समझिए मेरी बात, डेप्थ क्या चलेगी, कॉन्स्टेंट, डेप्थ से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फॉर अ गिवन एनवायरमेंट, अगर मेरा एनवायरमेंट कंडीशन सेम है तो जितना इवेपोरेशन मेरा किसमें हो रहा है, जिस हिसाब से मेरा इवेपोरेशन पैन में हो रहा है उसी हिसाब से मेरा इवेपोरेशन किसमें होगा बेटा, किसमें होगा बेटा, जल्दी बताइए किसमें होगा, लेक में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा,
तो एरिया की चिंता मत करो, डेप्थ की चिंता करो। अब एरिया का ज्यादा होगा तो तुम्हारा वॉल्यूम अपने आप ज्यादा हो जाएगा, एरिया को सीधे डेप्थ से इंटू करो और वॉल्यूम ऑफ एवर्शन अच्छे से निकाल लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट होगा कल शाम को 6 से 7 जैसे कि हमेशा होता है। हम लोग अच्छे से बीएमसी का टेस्ट देंगे, मन लगा के आप लोग पढ़ के आइए, पूरे टॉपिक्स हम लोग उसमें कवर करेंगे, बीएमसी के जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं। मैं और नए नए क्वेश्चन आने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और नॉलेज मिल सके, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन में लेके आऊंगा, डिटेल सोल्यूशन जिससे आपको और मजा आए, ठीक है। चलिए तो कल टेस्ट है आपका 6 से 7 बिल्कुल बीएमसी का है, मैं भी पोस्ट कर दूंगा सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी पेंट और वार्निश मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, जिन बच्चों को पेंट और वार्निश और लाइन टॉपिक में दिक्कत है वो मुझे अनअकैडमी में जाके वहाँ पे वो क्लास कवर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने कवर किया है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्पेशल क्लास में लाइन टॉपिक मैंने कवर कर लिया है बिल्डिंग मटेरियल्स का, और पेंट वार्निश मैंने अच्छे से कवर कर लिया जिसमें मैंने पुट्टी डिस्टेंपर वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया, तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। तो कल जो आपका टेस्ट होने वाला है वो पूरी बीएमसी का होगा, ठीक है, आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं मुझसे, आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप लोग उसको टेस्ट दीजिए कल, आप डिफरेंस देखिए, मजा आएगा आपको, और पढ़ के आइए जैसा कि आप लोग हमेशा अच्छे से पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग कल मुझसे मिलिए वहाँ पे शाम को 6 से 7 टेस्ट हम लोग लेंगे, बाकी पोस्टिंग मैं सारी कर दूंगा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल पेंट लाइन ज्यादा डालेंगे, नए टॉपिक ज्यादा इंक्लूड करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए तो मैं ये समझ गया सर, मुझे अब एक बात समझ में आ गई सर कि लेक एब्रप्शन अगर मुझे निकालना है तो मैं सीपी इंटू पैन एब्रप्शन करूंगा, और ये है सर आज की क्लास का सबसे मेन फॉर्मूला, ठीक है सर, मुझे ये सबसे मेन फॉर्मूला जो याद करना है, अगर मैं ये भूल गया तो सारी बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। अच्छा अब बच्चों अगला एक टॉपिक देखते हैं जरा, हम लोग को एक बात समझनी है, यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और आ रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी, वो बात ये होगी सर कि मुझे सर एक पॉइंट ये बता दीजिए आप कि ये पैन कोफिशिएंट का क्या चक्कर है। सर ये पैन कोफिशिएंट किसी का 0.7 ले रहे हैं, किसी का 0.8 ले रहे हैं, और जो कोलोराडो संकेत होता है उसका 0.78 ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है सर, ये मुझे समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा तीसरा भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कोलोराडो संकेत आपका होता है कुछ नहीं है ये बेटा, कुछ नहीं है, कोलोराडो आपकी एक जगह है, ठीक है, कोलोराडो आपकी एक जगह है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, और संकेत का मतलब होता है ग्राउंड में धंसा हुआ। बेटा आप एक चीज समझिए, आप मेरी एक बात समझिए, ये जो ऊपर के दो आप देख रहे हैं क्लास ए और इंडियन स्टैंडर्ड पैन, ठीक है, ये जो दो आप देख रहे हैं ये आपके जमीन के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर रखे जाते हैं, ऐसे लकड़ी के यहाँ घुटके लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, लकड़ी के यहाँ घुटके लगा के फिर उसको जमीन के ऊपर हम लोग रखते हैं, आप ऐसे समझिए, जमीन के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से हवा भी अच्छे से पास होती रहे, बीच से यहाँ पे हवा भी यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, इसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, लेकिन पूरा पूरा ग्राउंड के ऊपर होते हैं, ग्राउंड के अंदर इसको हम लोग नहीं संक करते हैं, ग्राउंड के अंदर हम लोग इसको संक नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन यही मैं अगर बात करूं आपका कोलोराडो की, कोलोराडो संकेन पैन, संकेन का मतलब ही उसको आपने ग्राउंड के अंदर रखा, तो जैसे मान लो मेरा बच्चों ये ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, तो मैं क्या करूंगा, कोलोराडो संकेन पैन को ग्राउंड के अंदर रखूंगा, यहाँ रखूंगा मैं ग्राउंड के अंदर, ठीक है, ग्राउंड के अंदर रखूंगा, ठीक है, ग्राउंड के अंदर रखूंगा, ठीक है, ये हो गई बात मेरी। इसका एरिया कितना होता है, 920 mm² होता है, बेटा ये सब मत याद करो, इंपोर्टेंट नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, और हाइट होती है 460, कोलोराडो संकेत की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना बेटा कि तुम्हारा कोलोराडो संकेत जमीन के नीचे रहता है, ओके, जमीन के नीचे रहता है तुम्हारा, 460 mm की हाइट होती है, ठीक है, और जिस प्रकार से तुम्हारा अपना क्लास ए और इंडियन स्टैंडर्ड में पानी कम होता है उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ वाटर की डेप्थ कम हो जाएगी, यहाँ भी कुछ वाटर की डेप्थ कम हो जाएगी, जिससे हम लोग मेजर कर लेंगे, जिसे हम लोग अच्छे से मेजर कर लेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग अच्छे से मेजर कर सकते हैं और काम अपना हो जाएगा, ठीक है, फिर हम उस डेप्थ का क्या करेंगे बताओ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों, उस डेप्थ का हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, वही करेंगे जो आपने बताया था, उस डेप्थ को जो पैन में इवेपोरेशन हुआ है, जो पैन में इवेपोरेशन उस डेप्थ को हम लोग पैन कोएफिशिएंट से इनटू कर देंगे, और आपने भी सर अच्छे से बता ही दिया मुझे कि अगर कोलोराडो संकेत होगा तो पैन कोएफिशिएंट कितना है 0.78, ठीक है, और याद करने की ट्रिक बेटा देखो 0.7, 0.8, 0.78, देखो 7 और 8 का मिक्सचर यहाँ पे है ना, 0.7, 0.8 तो 0.78, ठीक है, बस ये तीन तुम्हें याद करने हैं। एसएससी में क्वेश्चन किस तरह कहेंगे, डायरेक्टली ये पूछ लेंगे, डायरेक्टली तुमसे पैन कोएफिशिएंट पूछेंगे, तुमसे ये पूछ सकते हैं कि क्लास ए पैन कहाँ यूज होता, तो तुम बता सकते हो यूएसए में, सारे ऑब्जेक्टिव समझ लो, ठीक है, बाकी हाइड्रोलॉजी का टेस्ट हम लोग लेंगे, अगर तुम लोग चाहते हो मैं हाइड्रोलॉजी का पूरा एमसीक्यू लेके आऊँ तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, यस सर मुझे चाहिए, लिख देना प्लीज ब्रिंग, ठीक है, तो मैं अभी समझ लूंगा अच्छे से और मैं पूरा प्लानिंग करूंगा। तो क्लास ए में तुम्हारा 0.7 हो जाएगा सीपी, और आईएस पैन का 0.8 हो जाएगा, किस स्टील का बना है, आयरन का बना होता है, ये तुम्हारा कॉपर का। अच्छा कोलोराडो संकेत बेटा किसका बना है, कोलोराडो संकेत तुम्हारा किसका बना है ये भी जान लो लगे हाथों, ठीक है,
इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जब बात आई गई है तो बता ही देते हैं क्या जा रहा है। ये तुम्हारा जीआई शीट का बनाओगे, ठीक है। अब एक बात मुझे समझ नहीं है, एक बात जरा बहुत ध्यान से समझना, ये तीनों अलग अलग क्यों है ये मैं समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। और तुमको मैं ये चीज बता देता हूँ, एक ऑर्डर अरेंज करवाता हूँ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इवैपोरेशन किसमें होता है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इवैपोरेशन किसमें होता है ये मैं समझने की कोशिश करता हूँ। चलिए ध्यान सुनिए, अब जरा देखिए, तीन है मेरे, एक अपना हो गया कौन सा, एक मेरा हो गया सर, एक हो गया मेरा क्लास ए पेन, क्लास ए पेन, एक है मेरा कोलोराडो संकेन पेन, एक है मेरा कोलोराडो संकेन पेन, और एक है मेरा कोलोराडो संकेन पेन, और एक है मेरा क्या सर, इंडियन स्टैंडर्ड पेन, ठीक है। अब जरा मैं सबके पेन कोऑफिशिएंट लिख लूं, क्लास ए का जल्दी से कमेंट करिए कितना, क्लास ए का कितना हो जाएगा 0.7, कोलोराडो संकेन कितना हो जाएगा 0.78, और इंडियन स्टैंडर्ड पेन का कितना हो जाएगा 0.8। अब आप मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने क्या करा, मुझे एक सवाल का जवाब देने जा रहे हैं आप लोग, कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप सुनिए बहुत ध्यान से, ये तीनों पेन आपके सामने हैं, इन तीनों को आपने बारी बारी लेके बगल में रखा, बहुत ध्यान सुनिए मेरी बात, तीनों को आपने बारी बारी लेके बगल में रखा, ठीक है। वही जो अपना लेख मैंने आपको दिखाया था ना, अभी भूल गए होंगे आप, मुझे पक्का उम्मीद है। अरे ये मेरा लेख है, इस लेख के बगल में मैंने बारी बारी तीनों पेन को रखा। जल्दी से मुझे कमेंट करके मुझे ये बताइए कि किस पेन में सबसे ज्यादा पानी की डेप्थ कम होगी, किस पेन में इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा। देखो एक बात समझो बच्चों, पहले एक बात समझो, लेख में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेख में तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेख में तो आपका हर बार सर जो डेप्थ आनी है वो सेम आएगी, है ना। अरे लेख में भाई एनवायरमेंट का कंडीशन है, वहां तुमने इवेपोरेटर रखा ही नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेख में जो मेरी पानी की डेप्थ कम हो रही है वो तो सेम होगी, आप खुद बताओ लेक में जो पानी कम हो रहा है उसका बगल में जो इवेपोरेटर रखा उससे क्या मतलब। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने उस लेक के बगल में तीनों को बारी बारी रखा, किसमें इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, जल्दी से कमेंट करो सोच के किसमें इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर मैं आपको रीजन समझाऊं। बस यही तुमने गलती कर दी, सब बता रहे हैं आईएस पेन, ठीक है, सब बता रहे हैं आईएस पेन, लेकिन देखो गलत। अब देखो कैसे गलत हो गया समझो, देखो इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान सुनना। तुम्हें यह पता है कि लेक में जो डेप्थ आई है वो हर बार सेम आनी चाहिए, तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैं एग्जांपल लेके समझता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखो मान लो तुम्हारा लेक में जो डेप्थ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कुछ 10 ले लेता हूँ, ठीक है, वो तो हमेशा 10 ही रहेगी, समझो मेरी बात, ठीक है, वो तो हमेशा कितनी रहेगी 10। लेकिन जब तुमने क्लास ए लिया, ठीक है, क्लास ए में क्या हो गया, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हुआ, क्लास ए में सबसे ज्यादा इवेपोरेशन हुआ, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, उसको सोचने की कोशिश करना जरा कैसे। अब तुमने क्लास ए मान लो लगाया तो 15 mm इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, फिर तुमने कोलोराडो संकेन लगाया तो मैंने 40 mm ले लिया, 49 हो गया, असली में 49 हो गया, ये तो लेक का 10 पक्का है, वो तो फिक्स रहेगा, है ना। लेकिन जब आपने सर क्लास ए लिया तो 50 mm मेरा इवेपोरेशन हुआ, जब आपने कोलोराडो संकेन लिया तो 49 हुआ, और जब आपने इंडिया वाला लिया है ना तो इंडिया वाले में 12 हुआ। एक एग्जांपल समझ रहा हूँ, लगभग आप समझने की कोशिश करिए, है ना। अब मुझे ये बताओ 15 को मैं किससे इंटू करूँ सर 15 को मैं ऐसे किस नंबर से इंटू करूँ कि मेरा आंसर 10 बन जाए, सर 14 को मैं कैसे किस नंबर से इंटू करूँ कि मेरा 10 बन जाए, सर 12 को मैं ऐसे किस नंबर से इंटू करूँ कि मेरा 10 बन जाए, समझो। क्योंकि ये तो आए हैं तुम्हारे मीटर में और ये असली है नहीं, तुम्हें इनको एक कोफिशिएंट से इंटू करना है ना, तुम्हें इनको एक सीपी से इंटू करना है, तभी तो मेरा असली इवेपोरेशन मिलेगा जो एक्चुअल का लेक इवेपोरेशन है, समझ रहे हो, तभी तो मुझे असली इवेपोरेशन मिलेगा, आर यू गेटिंग इट। चलो तो देखो अब क्या हुआ, जिसमें बेटा ध्यान सुनना, जिसमें इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, जैसे क्लास ए में मैं बोल रहा हूँ, क्लास ए में इवेपोरेशन सबसे ज्यादा हुआ तो उसको सबसे ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन सर इतना ज्यादा हो गया है तो उसको आपको 0.7 से इंटू करना पड़ेगा या सबसे ज्यादा कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है तो उसको आपको बहुत कम करके 10 पे लाना पड़ेगा। बहुत कम कैसे करेंगे आप उसको 0.7 से इंटू करेंगे, ठीक है, बहुत कम कैसे करूंगा मैं उसको 0.7 से इंटू करूंगा, एग्जांपल ले रहा हूं ऐसी। अच्छा जिसमें
पहले से कम है तो उसमें ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको 0.78 से इंटू कर दो, उसमें ज्यादा कम करने की जरूरत है नहीं। और जिसमें इवेपोरेशन बहुत कम हो रहा है, जैसे इंडिया वाला जो पैन होता है उसमें इवेपोरेशन पहले से इतना कम होता है, पहले से इतना कम होता है कि 12 और 10 लगभग सेम है, 12 और 10 लगभग सेम है, तो आप उसमें हल्का सा बस एक कोएफिशिएंट इंटू कर दिए 0.8, तो वो पहले से बराबर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मान लो मेरा पैन में 10 mm हुआ और लेग में भी 10 mm हुआ, तो बताओ किससे इंटू करने की जरूरत है, 1 से। अरे जब एकदम सेम हुआ, जिसमें पहले से इवेपोरेशन बहुत कम हुआ और लेग के बराबर हुआ, पहले से ही जिसमें इवेपोरेशन बहुत कम हुआ और लेग के बराबर हुआ है ना, पहले से जिसमें इवेपोरेशन कम हुआ और लेग के बराबर हुआ, तो उसमें मुझे 1 करने की जरूरत है इंटू, है ना, तो उसमें मैं 1 इंटू करूंगा। इसका मतलब सर 1 वाले में इवेपोरेशन इतना कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, एकदम लेग के बराबर हो रहा है, एक तो कम हो रहा है और लेग के बराबर हो रहा है, इसलिए आपने उसको 1 से इंटू करा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो मेरा क्लास ए था सर, उसमें इवेपोरेशन इतना ज्यादा हुआ कि उसे लेग के बराबर करने के लिए मुझे 0.7 से इंटू करना पड़ गया, उसे मुझे लेग के बराबर करने के लिए बहुत कम करना पड़ गया, इसलिए मैंने 0.7 लिया। इसका मतलब सर ये हुआ, क्लास ए का जो इवेपोरेशन है सबसे ज्यादा है, फिर मेरा कोलोराडो संकेन का है, फिर मेरा इंडियन शैड का है, और फिर कोई एक ऐसा पैन हो सकता है जिसमें इवेपोरेशन एकदम लेग के बराबर हो रहा, तो उसका सीवी बेटा कितना हो जाएगा, 1। समझ गए, ठीक है, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब सर आज मुझे समझ में आया कि क्लास ए पैन में इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैं उसको सबसे कम करने के लिए, उसको कम करके लेग के बराबर लाने के लिए, मैं पैन कोएफिशिएंट को बहुत कम रखता हूँ, ताकि एकदम डेटा कम हो जाए मेरा, इंटू करने का वैल्यू एकदम से कम हो जाए, ठीक है, एकदम से वैल्यू कम हो जाए, और वो किसके बराबर है, लेग के बराबर। इस हिसाब से अगर तुम मेरी मानो तो इंडिया का जुगाड़ बढ़िया बैठा बेटा, इंडिया का जो मीटर है वो लगभग लगभग आंसर सही दे रहा है ना, इंडिया में जुगाड़ बहुत बढ़िया चलता है, थोड़ा सा डायमेंशन चेंज किया और मेरा जुगाड़ फिट। तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये लिखा है मैंने ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, नो डाउट, अब समझे, अब तुमको कैप्टन समझ में आया, ठीक है। इसमें तुम एक बात समझो, तो तुम्हारे पैन क्वेश्चन अलग अलग लिए गए हैं, उसमें इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं बेटा, इन्वायरमेंट तो लेग के लिए तो सेम रहेगा ना, तुम्हारा पैन का जो मटेरियल है वो कैसा है, ठीक है। अब देखो, क्लास ए पैन मेरा जीआई शीट का बना है, क्लास ए पैन मेरा जीआई शीट का बना है, वो गर्मी को इतना जल्दी महसूस करता है कि उसमें इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, मेरा इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये डिपेंड करता है कि जो मेरा पैन है सर उसका डायमेंशन क्या है। अच्छा, ये जो तुम्हें लिख रहा हूँ, ये जो इवेपोरेशन हो रहा है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर सर, ठीक है, इवेपोरेशन इन पैन डिपेंड्स ऑन दो चीजें मेरे लिए, पहला तो सर एक तो जो डायमेंशन है, अगर आप डायमेंशन चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने पैन का एरिया बढ़ा दिया, समझ रहे हैं, तो तुरंत आपकी जो पानी की डेप्थ कम हो रही है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक तो मेरा इवेपोरेशन इन पैन डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, एंड दूसरा वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे जीआई शीट का बना था, इंडिया वाला मेरा कॉपर का बना था, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, ठीक है, तो इन सब बातों पर निर्भर करता है। अब क्योंकि मेरा क्लास ए पैन डिफरेंट मटेरियल का बना है, उसके डायमेंशन कुछ अलग है, तो वो हीट को किसी अलग तरीके से फील करेगा, उसका जो मटेरियल है वो हीट को अलग तरह से फील करेगा, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अलग होगी, आप समझ पा रहे होंगे, है ना, तो वो एकदम डिफरेंटली फील करेगा और ज्यादा इवेपोरेशन कर सकता है। लेकिन जो मेरा लेक है सर, लेक में कभी चेंज नहीं आने वाला, मेरी बात समझो, लेक में कभी चेंज नहीं आने वाला। इसका मतलब मैंने पैन कोफिशिएंट ऐसे एडजस्ट किए हैं कि जब मैं मल्टीप्लाई करूं पैन इवेपोरेशन को सीपी से, पैन कोफिशिएंट से इंटू करूं, तो मुझे असली में लेक का इवेपोरेशन मिल जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए सर, मुझे अच्छे से एकदम समझ में आ गया और मेरा मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन एकदम अच्छे से खत्म हो गया है, ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या चीज बेटा रिपीट करनी है बता दो, बस तो मोटा मोटा इतना याद रखो कि क्लास ए पैन में इवेपोरेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे कम करने के लिए, ठीक है, क्लास ए इवेपोरेशन मेरा इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे कम करने के लिए, लेग के बराबर लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है, ठीक है, उसे मैं 0.7 से इंटू करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है, क्लास ए में इवेपोरेशन इतना ज्यादा है कि लेग के बराबर लाने के लिए मुझे उसे 0.7 से इंटू करना पड़ा, ठीक है।
अरे बहुत ज्यादा एवर्शन हुआ था तो मैंने 0.7 से इंटू करा, तब वो जाके लगभग लगभग बराबर पहुंचा, समझ रहे हो? ये एग्जांपल है तुम्हारा इस तरह से, ठीक है? इसमें कुछ इतना टफ नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और वरना आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, इसको आप इस डेटा को याद रखिए, आपका जो है न्यूमेरिकल हो जाएगा, इसको अच्छे समझ लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया मेरा पॉइंट। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, देखिए आज ही हम लोग ने बात करी है इवेपोरेटर की, आपको मैंने पूरा समझा दिया, न्यूमेरिकल भी आप लोग को अच्छे से मैंने करा दिया है, ठीक है? आपको पैन में जो डेप्थ मिले आप सब भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, ये आएगा क्वेश्चन। पैन की डेप्थ को आप सीपी से इंटू करिए, सीपी आपने अच्छे से याद कर ही लिया है, ठीक है? सीपी आपने तीनों याद कर ही लिया, बस इसको याद कर लीजिए और जो भी डेप्थ आपको क्वेश्चन में दी गई उससे आप इंटू कर दीजिए। जैसे आप उससे इंटू करेंगे आपको लेक का इवेपोरेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप लेक के इवेपोरेशन को क्या करिए, लेक के इवेपोरेशन को आप एरिया से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? जो भी आपका लेक का इवेपोरेशन आएगा उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करिए, ये लेक का इवेपोरेशन था ना बेटा, और आपको वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन मिल जाएगी, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ मेरे और ही मेथड्स हैं, जैसे मेयर फॉर्मुला, रोवर्स फॉर्मुला, आप इसको समझ लीजिए। बस आप यहाँ पे नाम याद रखिए, मेयर फॉर्मुला और रोवर्स फॉर्मुला जो मेरे हैं वो एक जगह पे मेयर ने और रोवर ने पूरा अपनी एनालिसिस करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे तुक्के लगाए, बहुत सारे ट्रायल एरर किया और एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है? वो फॉर्मुले इतने कठिन है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी ज्यादा फोकस करनी है, तो आप लोग याद रखिए कि मेयर फॉर्मुला और रोवर फॉर्मुला आपके एम्पिरिकल फॉर्मुले हैं जिनसे मैं इवेपोरेशन को नाप सकता हूँ, तो आई होप आपको तीनों तरह के जो मीटर हैं, तीनों तरह के जो इवेपोरेटिंग मीटर है वो आपको क्लियर हो गए आज। इंपेरिकल फॉर्मूले दोनों नाम आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेयर फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, रोवर फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, तो आप अच्छे से बता देंगे। और एनालिटिकल मेथड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस एनालिटिकल मेथड में मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, जो वाटर बजट है मेरा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन इन तीन मेथड में मेरा सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है? इन तीन में मेरा सबसे अच्छा कौन सा था, मास ट्रांसफर, फिर था मेरा एनर्जी बैलेंस, और लास्ट मेरा कौन सा था, बेकार सबसे, वाटर बजट, ठीक है? लेकिन वाटर बजट क्योंकि बहुत इजी है, भले ही उससे आंसर बहुत रिलायबल ना मिले, लेक का वाइब्रेशन आपको भले ही अच्छे से ना मिले, लेकिन आसान है। वाटर बजट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से सर ये बहुत सिंपल है बट लीस्ट रिलायबल है, सिंपल बट लीस्ट रिलायबल। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं और हमारा पूरा इवेपोरेशन का मेजरमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे जो है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। तो देखिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ जब मैं समझाता हूँ आपको, वाटर बजट का मेथड यूज करके, वाटर बजट इस्तेमाल करके मैं कैसे, वाटर बजट मेथड में इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो मान लीजिए जैसे मेरा ये एक लेक है, बहुत आसान सी बात है ये, ठीक है? इसमें कुछ पानी आ रहा है, जा रहा है, तो मैं बहुत सारी चीजें लगा दूंगा इसमें, ठीक है? अब आपको पता है कुछ पानी जो यहाँ से लॉस होगा वो इवेपोरेशन के फॉर्म में लॉस होगा। कुछ मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो उनसे जो पानी निकल गया उसको मैंने ट्रांसपिरेशन का नाम दे दिया, समझ रहे हैं आप? कुछ पानी सरफेस से फ्लो के अंदर आ गया, कुछ पानी सरफेस से फ्लो के बाहर चला गया, कुछ पानी ग्राउंड से फ्लो के अंदर आ गया, कुछ पानी ग्राउंड से फ्लो के बाहर चला गया, इस तरह की चीजें, ठीक है? कुछ बारिश हो गई, मान लीजिए कुछ बारिश हो गई भी, तो मैं सारे का वाटर बैलेंस लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो पहले मैं लिखूंगा आने वाले, ध्यान सुनिए, पहले मैं लिखूंगा आने वाले माइनस जाने वाले। तो पहले आने वाले की बात करूंगा, इनफ्लो की मैं बात करूंगा, पहले आने वाले की बात होगी यहाँ पे। तो आने वाले में कौन है सर, मेरा बारिश एक आती है, एक तो मेरी बारिश आती है, दूसरा मेरा सरफेस से जो पानी आता है, VIS का मतलब वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो फ्रॉम सरफेस। देखिए सरफेस से जो मेरा पानी बह गया, मान लीजिए तालाब में आ गया कहीं से, सरफेस से पानी के तालाब में आ गया, तो वो भी तो पानी तालाब में आ रहा है ना बेटा, वो भी आ रहा है। और फिर आने वाला कौन है, VIG मतलब वॉल्यूम इनफ्लो फ्रॉम ग्राउंड। मान लीजिए ग्राउंड की तरफ से कोई पानी नीचे से बह के अगर लेक में आ गया तो मेरा कौन सा हो जाएगा, VIG, समझ रहे हैं आप? चलिए उसके बाद अगर बात करूं, अब मैं बात करता हूं आउटफ्लो की, ठीक है? अब मैं बात करूंगा बेटा किसकी, आउटफ्लो की, जाने वाले की बात करूंगा मैं, ठीक है? आप लोगों सबको वाटर रेट तो याद है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज, आया माइनस गया इज इक्वल टू डेल्टा एस, ठीक है? तो अब मैं जब आउटफ्लो की बात कर रहा हूँ, जाने वाले की बात कर रहा हूँ, तो बताओ जाने वाले कौन कौन है बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट करो यहाँ फटाफट। देखो जाने वाले कौन है, एक तो मेरा ग्राउंड से अगर मान लो कोई पानी निकल गया, आउटफ्लो, VOG का मतलब वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, ठीक है? एक तो ये मेरा चला गया VOG, और कौन जा सकता है, और सरफेस से मान लो जो पानी निकल जाएगा, सरफेस से जो मेरा O का मतलब आउटफ्लो, I का मतलब इनफ्लो, ठीक है? सरफेस से जो मेरा पानी निकल गया उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, VOS, और
और बताओ कौन जाने वाले हैं यहाँ पे, जल्दी मुझे कमेंट करो, और कौन जाने वाला है यहाँ पे, और कौन है जाने वाले। एक हो गया मेरा इवेपोरेशन फ्रॉम लेक, ईएल का मतलब इवेपोरेशन फ्रॉम लेक, और मेरा ट्रांसपिरेशन जो पेड़ों से पानी निकल के उड़ रहा है, ठीक है, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, फंगस है या एल्गी है, कुछ भी है, ये सब मेरे जाने वाले हो गए। और इज इक्वल टू, मान लीजिए तालाब में कुछ पानी बढ़ा या कम हुआ, अब मुझे, मैं सारी चीज कैलकुलेट कर लूंगा, बारिश कितनी हुई मैं पता लगा लूंगा, वीआईएस कितना हुआ पता लगा लूंगा, सारे टर्म्स में पता लगा लूंगा सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है मेरा क्या है, लेक इवेपोरेशन फ्रॉम लेक। ठीक है, आप सारे टर्म्स रखिए, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया भाई, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ माइनस मास लगाया, मान लीजिए तीनों मास जो मिला के आए हैं वो है 1000, तीनों मास जो मिला के आए हैं वो 1000 है, ठीक है, और इन तीनों को मिला के जो गए हैं वो है मान लीजिए मेरा 500, इन तीनों को मिला के जो मेरे गए हैं वो मेरा कौन, मान लीजिए 500 मीटर क्यूब, ठीक है। और लेक में मैंने देखा, लेक में जो पानी भर गया, लेक में जो पानी बढ़ गया वो मेरा बढ़ा 200 मीटर क्यूब। चेंज इन स्टोरेज को मैं बोलता हूँ बेटा पॉजिटिव, चेंज इन स्टोरेज को मैं पॉजिटिव रखा यहाँ पे। तालाब में कितना पानी बढ़ा बेटा 200, अच्छा 1000 की बारिश हुई, 1000 की बारिश हुई, 500 सर उड़ गया, 500 चला गया, 500 जो है ग्राउंड से, सरफेस से, ट्रांसमिशन के रूप में निकल गया, ठीक है, और तब भी मेरा 200 पानी बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इवेपोरेशन फ्रॉम लेक कितना हो जाएगा, आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ईएल को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो मैं कह दूंगा सर लेक से मेरा कितना इवेपोरेशन हो गया, 1000 में 500 हो गया, मेरा 500 बचा, 500 में 200 और गया तो मेरा कितना बचा, 300। इसका मतलब लेक से जो इवेपोरेशन हुआ बेटा वो कितना हुआ है, 300 मीटर क्यूब, समझ गए, बहुत ही आसान सी बात, ये तुम अच्छे समझ गए होगे, बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। 1000 माइनस 500, यहाँ 1000 तुम लोग को दिख रहा होगा, ये देखो आप दिख गया होगा, ठीक है, 1000 माइनस 500 माइनस ईयर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आज साइड में ट्रीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ वाटर ब्रेड का कॉन्सेप्ट क्या, देखो आसान है बहुत, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट बोला था बेटा कि वाटर ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा बहुत ही ईजी है, बट जरूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छे, इससे अच्छे आंसर मिले, समझ लो ये सिंपल है बट सबसे लीस्ट रिलायबल, ठीक है। तो इसके साथ मेरा इवेपोरेशन में पूरा समझ गया हूँ सर, एनर्जी बैलेंस थोड़ा सा हाई लेवल का एडवांस वर्जन है, उसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई होप आप लोग को अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और कल हम लोग और भी तरह के जो लॉसेज इस चैप्टर में है वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इवेपोरेशन हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, इससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, लेक का इवेपोरेशन भी आप लोग निकालेंगे, इवेपोरेटर के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, सब कुछ आप अच्छे से समझ गए, ओके। पीडीएफ की बेटा चिंता ना करो, पीडीएफ की चिंता ना करो, मैं चाह रहा हूँ कि पूरी चीजें एक में कंबाइंड हो जाएं, अगर तुम लोग बोलो तो मैं रोज डाल दूंगा, लेकिन रोज तुम्हारे लिए सिरदर्द हो जाएगा, बहुत सारी पीडीएफ हो जाएंगी, समझ रहे हो, तो एक पीडीएफ में अगर एक बार हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इसे पीडीएफ में मिल जाएगी। और कल बेटा हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन, ये जो कंबाइंड करके इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंटरसेप्शन क्या है, डिप्रेशन स्टोरेज क्या है, इनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, फिर इन्फिल्ट्रेशन देखेंगे, डब्ल्यू इंडेक्स, फाइव इंडेक्स, और एसएससी जेई वगैरह में तुम्हारे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा बच्चों एक खुशखबरी है तुम लोग के लिए, ठीक है, एक खुशखबरी है तुम लोग के, एसएससी जेई वाला जो चैनल है तुम्हारा, ये वाला चैनल है, इस पे हम लोग 80 दिन के लिए क्रैश कोर्स ला रहे हैं, क्योंकि बेटा तुम्हारा एसएससी जो आ रहा है उसमें हम लोग एक क्रैश कोर्स देने वाले हैं, तो बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, क्या तुम लोग चाहते हो कि हम लोग एसएससी जेई का क्रैश कोर्स लेके आए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, हम लोग पूरी प्लानिंग में इस समय, क्योंकि जो बच्चों की डिमांड आती है हम लोग उसी हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, बच्चों जो बोलते हैं कि पढ़ा दिए सर मैं वैसे वैसे ही लेके चलूंगा, तो टीम मीटिंग हम लोग ने कर ली है, और हम लोग जो है लक्ष्य एसएससी जेई का पूरा एकदम साधेंगे और इसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, और मैं तुरंत प्लान करके जल्द से जल्द कोशिश करूंगा शुरू करने की, और मुश्किल से 60-70 दिनों में आपका सारा सिलेबस, ठीक है, बहुत बेसिक नहीं, जो जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम निकालेंगे जरूरी बेटा, सारे सब्जेक्ट हम लोग क्विक वे में जो एग्जाम से बहुत ओरिएंट रखता है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके, बहुत फायदा रहेगा, ठीक है, बहुत फायदा रहेगा आप लोग को, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हो जाए, और हमारी पूरी टीम इसमें प्लानिंग कर रही है, तो जल्दी जैसे जैसे नतीजे आएंगे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा, बस आप लोग को, ठीक है, बिल्कुल आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए टेक केयर बच्चों, आप लोग ऐसे मन लगा पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अब कल इसी समय 4:15 पे, कल आपका बीएमसी का टेस्ट भी है शाम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सुबह इरिगेशन शुरू हो गई है तो आप वो भी कर सकते हैं अनअकैडमी गेट सी चैनल पे, और बस बेनिफिट के लिए बच्चों, ठीक है, जितने भी लोग हैं देखिए आप सब लोग, क्या नाम है कि आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज वगैरह मिलेंगे, तो आप लोग सब फ्री में पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेईई चैनल पे हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, आप मन लगा पढ़ाई करिए और कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप लोग कमिटेड रहिए, पढ़िए अच्छे से, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं जेन्युइन बच्चे उनको आप शेयर कीजिए ताकि कंटेंट सब तक पहुंच सके, चलिए टेक केयर बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल।
टेस्ट पे आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। ओके, टेक केयर बच्चों।